हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 10 है गुडविल चैप्टर की। पिछली क्लास में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया था और आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड मेथड है गुडविल कैलकुलेशन के लिए। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ कि भाई ये कैसे आया। मैंने आप पहले बता चुका हूँ आपको कि कोई भी गुडविल का मेथड निकलने के लिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बायर और सेलर इंटरेक्शन के ऊपर। यानी बायर कितना अमाउंट देने को तैयार है, सेलर कितना अमाउंट मांग रहा है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गुडविल कैसे निकाली जाएगी। तो यही सुपर प्रॉफिट मेथड का भी कारण है बनने का कि भाई वो भी बायर और सेलर के इंटरेक्शन की वजह से ही ये मेथड बना है। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं वही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जो पहले मैंने लिया हुआ है राम और श्याम का, ताकि या क्लैरिटी रहे कि भाई हर बार जो मेथड बन रहा है वो बायर या सेलर के इंटरेक्शन की वजह से बन रहा है। सेम बिजनेस है, सेम प्रॉफिट है, बायर भी सेम ही थिंकिंग रखता है, लेकिन बायर या सेलर में से कोई ना कोई कोई नया पॉइंट निकाल के लेके आया था जिससे कि नया मेथड बन जाता है। तो इसमें भी एक नया पॉइंट सेलर नहीं बायर लेके आया जिसकी वजह से पॉइंट बना है। तो मैं समझ लेते हैं कि राम एक बिजनेसमैन है, वो फ्रेंड है श्याम का, उसका बिजनेस है, उसमें उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो प्रॉफिट कमाता है 2 लाख पर एनम का। श्याम उसका दोस्त है, वो भी यही बिजनेस करना चाहता है, उसके पास भी 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उसने देखा कि उसको 3 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो चौथे साल में 2 लाख प्रति वर्ष कमा पाएगा। एंड 2 लाख पर एनम के पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो 4th ईयर तक वेट करना पड़ेगा। श्याम इतना वेट करना नहीं चाहता, इसलिए वो राम के पास जाता है बिजनेस खरीदने के लिए। और राम को पता है कि श्याम बड़ा दिमाग वाला है, वो नॉर्मल गुडविल नहीं देगा, वो एवरेज में ही लेगा। तो भाई राम को पता है कि ये श्याम ऐसे नहीं मानेगा, वो कोई भी अमाउंट में गुडविल की मांग लूँगा तो वो नहीं देगा। तो क्या कहता है कि भाई मुझे पता है कि तो एवरेज ही लेगा। तो उसका 2 लाख का प्रॉफिट था यहाँ पे, पिछले साल में उसका प्रॉफिट था 1 लाख का, उसे पिछले साल में उसका प्रॉफिट था 1,80,000 का, उसे पिछले साल में उसका प्रॉफिट था 1,20,000 का। तो उसको पहले ही बता देता, जैसे ही शाम बिजनेस खरीदने आया और एग्री कर गया राम बेचने के लिए, तो पहले ही वो एवरेज निकाल के रखता है कि भाई देख, मुझे पता है कि तू 3 साल तक कुछ नहीं कमाएगा, तू 3 साल तक वेट करेगा मेरे बराबर पहुंचने के लिए, इसलिए तो बिजनेस खरीदने को तैयार है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, इक्वल टू 3। तो श्याम बोलता है हाँ भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तेरी वजह से मैं 3 साल तक कमाऊंगा। तो राम बोलता है हाँ भाई ठीक है, 3 साल तक तू मेरी वजह से कमाएगा, और तू कितना कमाएगा मैं उस तेरे को बता देता हूँ। तो 2-2 लाख रुपए नहीं कमाएगा, मुझे पता है तू मानेगा नहीं कि 2-2 लाख रुपये कमाएगा, तो मेरी PNL अकाउंट देखने को लिया आया, तो मैं PNL अकाउंट देखेगा तो जाके एग्री करेगा। तो मुझे पता है तू क्या चाहता है, तो मैं पहले ही 4 सालों का एवरेज ले लेता हूँ। तो श्याम बोलता है ठीक है भाई, ले 4 सालों का एवरेज। तो इसने 4 सालों का एवरेज लिया, और 4 सालों का एवरेज लेने के बाद ये बोला कि भाई देख, इसका टोटल बनता है 6 लाख डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1.5 लाख। 1.5 लाख है 4 सालों का एवरेज, यानी कि पर ईयर तू 1.5 लाख रुपये कमाएगा मेरी वजह से। एवरेज का मतलब होता है पर ईयर कितना है, ये है एवरेज प्रॉफिट। 4 सालों का एवरेज जरूर लिया, लेकिन साल थे ना 4, तो ईयर लिए ना, तो ये पर ईयर, पर एनम में कितना कमाएगा, 1.5 लाख रुपये। तो श्याम बोलता है बात रुक भाई, मैं तेरी इस बात से एग्री करता हूँ कि 1.5 लाख का तेरा एवरेज प्रॉफिट है, वेरी गुड, और तूने एवरेज भी ठीक लिया है, तो जो तेरे नेट प्रॉफिट है बिल्कुल जस्टिफाइड है, इनमें कोई भी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ना तो तेरे में कोई सेल ऑफ मशीनरी का प्रॉफिट है, ना लॉस बाय फायर है, ना क्लोजिंग स्टॉक में कोई गलती है, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो कोई गलती नहीं है, और तेरा जो ये प्रॉफिट है बिल्कुल सही है, और इसका तुमने जो एवरेज लिया वो भी ठीक है, तो यानी तेरा एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, टिप टॉप है। लेकिन भाई मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि मैं 0 कमाऊँगा, मैं ये नहीं मानता, मैं 3 सालों तक तेरी वजह से कमाऊँगा लेकिन मैं खुद 0 कमाऊँगा ये नहीं मैं मानता। यानी कि राम कहना चाहता है कि तू मेरी वजह से 3 सालों तक 1.5 लाख यहाँ पे, 1.5 लाख यहाँ पे, 1.5 लाख क्या एवरेज प्रॉफिट निकाला है। पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ही निकालते थे, सिंपल करते थे, इनटू कर देते थे। लेकिन श्याम पहले ही एग्री करता था कि वो 0-0 कमाएगा। अब श्याम का दिमाग चला, उसने दिमाग में सोचा कि भाई देख, मैं अगर तेरा बिजनेस ना खरीदूं तो ये 5 लाख रुपये मैं मार्केट में डालूंगा, मतलब मैं बैंक में रखूंगा, ब्याज कमाऊंगा। तो मैं अगर मार्केट में डालूंगा और मार्केट में रेट चल रहा है 12% का, मार्केट का ब्याज का 12% का रेट चल रहा है, अगर मार्केट में पैसे दूंगा तो 12% ब्याज कमाऊंगा पर एनम, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा इसके लिए, नॉर्मल रेट
ऑफ रिटर्न, यानी कि जब आप पैसे लगाओगे तो नॉर्मली कितना कमाओगे उससे, वह 12%। यानी कि अगर मैं 5 लाख रुपये मार्केट में डालूंगा तो 12% के हिसाब से मैं कितना कमाऊंगा, 60,000 रुपये। ये कैसे निकला, 5 लाख इंटू 12%, ये मैं कमाऊंगा हर साल 60,000। यानी इस साल भी 60,000 कमाऊंगा, के मतलब 1000, और इस साल भी 60,000 कमाऊंगा, इस साल भी 60,000 कमाऊंगा। और गुडविल क्या होती है, वो पैसा तू मुझसे मांग रहा है जो मैं तेरी मेहनत की वजह से कमाऊंगा, वो गुडविल है। वो पैसा जो मैं तेरी मेहनत की वजह से कमाऊंगा गुडविल है। और तूने कितना कमाया, तू कह रहा है मैं कितना कमाऊंगा तेरी वजह से, 1.5 लाख। राम कितना कह रहा है शाम को कि तू 1.5 लाख कमाएगा, और शाम क्या कह रहा है, भाई मैं तेरी वजह से कितना कमाऊंगा, 1.5 लाख कमाऊंगा जरूर, लेकिन मैं खुद भी 60,000 कमा पाता, यानी तेरी वजह से कितना कमाऊंगा, मैं 1.5 लाख कमाऊंगा जरूर लेकिन मैं खुद भी 60,000 कमा पाता नॉर्मली, तो यानी तेरी वजह से कितना कमाऊंगा, 90,000, यही मेरा प्रॉफिट है। इसको कहते हैं ये सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, यानी भाई प्रॉफिट कमाऊंगा लेकिन कितना कमाऊंगा, 90,000। यानी कि क्या कह रहे हैं भाई, यानी पहले हमें एवरेज प्रॉफिट देते थे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज देते थे गुडविल निकालने के लिए। तो भाई यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रहे, प्रॉफिट तो लिखना है ना कोई ना कोई, यहाँ पे प्रॉफिट ही तो लिखना है। कितने सालों तक कमाऊंगा, 3 साल तक, कितना कमाऊंगा वो लिखना है, कितना 90,000 वो माइनस करना है। तो इसका नाम एवरेज प्रॉफिट ना लेके कुछ और लिखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट की है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सुपर प्रॉफिट। तो यानी सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, ये क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बाय माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा लेता कौन, बायर अपने यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करके, उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी कंफ्यूज मत हो जाना, पिछले क्वेश्चन में हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था एडजस्टमेंट करके, वेट वाले में वेट से इंटू करके, और दूसरे वाले में एडजस्टमेंट माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। ये कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो मार्केट से कमाया, फ्रॉम मार्केट से कमाया, मार्केट से वो वाला। तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, या निकालने का तरीका दिया होगा, और मार्केट का रेट क्या चल रहा है वो दिया होगा, उससे हम निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि भाई बिजनेस को करने के लिए, मुझे खरीदने के लिए 5 लाख चाहिए, तो 5 लाख अगर मार्केट में डालता तो 60,000 कमा पाता, सिंपल सी बात है। गुडविल क्या होते हैं, जो मैं तेरी वजह से कमाऊंगा वो गुडविल है, जो तेरी वजह से मैं कहाँ गुडविल है। अगर मैं 5 लाख रुपये लगाऊँ मार्केट में तो मैं 60,000 तो खुद भी कमा लूँगा, तो तेरी वजह से कितना कमाऊँगा, डिफरेंस 1.5 लाख माइनस 60,000 यानी 90,000। अब 90,000 इंटू 3 कर देंगे हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई गुडविल तो वही होता ना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट ही तो लेना है कितना कमाना है, लेकिन हमें प्रॉफिट जो है ये एवरेज नहीं लेना, एवरेज में से वो प्रॉफिट माइनस कर देना है जो वो खुद भी कमा लेता कौन, बायर, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यानी वो कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, वो सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट होगा वही मैं कमाऊंगा, वही सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल हमारा ये हो जाएगा। तो इसके लिए पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो हम इसको कर लेते हैं क्वेश्चंस कुछ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ये एडिशन 2019 में क्वेश्चन नंबर 22 है, और एडिशन 2020 में क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। गुप्ता एंड बोस हैज़ अ फर्म इन विच दे हैज़ इन्वेस्टेड 50,000। दो पार्टनर हैं उनकी फर्म है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कितना करके है, 50,000। जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 5 लाख की, यानी कि 50,000 उसने बिजनेस में लगा रखे इन दोनों ने। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, एवरेज प्रॉफिट वो कितना कमाते, 16,000। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दे इनटू कर देंगे तो गुडविल निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ और भी कहा होगा जिस वजह से ही सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन बनेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हैं वो, 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, यानी कि भाई नॉर्मल रेट इंडस्ट्री में, और मैं पहली क्लास में बता चुका, इंडस्ट्री क्या होती है, सेम बिजनेस करने वाली जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री होती है। अगर टेक्सटाइल का बिजनेस है तो सारी फर्म जो टेक्सटाइल का काम करने वाले उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाएंगी। तो यानी कि कोई भी बंदा अगर ये बिजनेस शुरू करता है जो ये कर रहे थे, तो वो 15% तो कमा ही लेगा, यानी जीरो नहीं कमाएगा, 15% तो मिनिमम है, नॉर्मल रिटर्न है।
15% की। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, 4 साल का परचेज मानना है ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। किसका मानना है? सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट कैसे पता चला? एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, 15% से ऊपर वाले प्रॉफिट को इंटू करना है 4 साल से, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। अगर आपको ये नहीं भी लिखा होता तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, इससे आप समझ जाओगे भाई गुडविल क्या होती है, जो आपकी मेहनत की वजह से मैं कमाऊंगा। अगर आप 16,000 कमाते हो तो मैं भी 16,000 कमाऊंगा, एवरेज आप 16,000 कमाते हो तो मैं भी 16,000 कमाऊंगा, एवरेज है ना, ये तो एवरेज ही तो कमाते हैं। लेकिन अगर मैं बिजनेस खुद भी करूं तो 15% तो कमा ही लूंगा, 50,000 लगा के। मैं 50,000 का बिजनेस खरीदूंगा आपका तो 16,000 मैं भी कमा लूंगा, और इसके लिए गुडविल देना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका बिजनेस खरीद लाऊं। लेकिन अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदूंगा तो भी मैं 15% कमा लूंगा खुद का बिजनेस शुरू करके टेक्सटाइल का ही। इसका मतलब क्या बना कि भाई डिफरेंस, यानी सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, वही तो गुडविल निकलेगा, यानी कि आपकी वजह से मैं कितना कमाऊंगा वो है सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही फॉर्मेट लिखा हुआ है, गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू कितने सालों तक कमाऊंगा और क्या कमाऊंगा, सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा, एवरेज प्रॉफिट कमाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा? सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा तेरी वजह से। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई? 16,000 आप कमा रहे हो और मैं कितना कमाता? अगर देखो, जो हमने एवरेज वाला क्वेश्चन किया था, मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूँगा। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड क्वेश्चन ही है। उनमें क्या होता, अगर उसको भी मैं वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट लिख देता क्वेश्चन में तो भी आंसर निकल जाता, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो उन क्वेश्चन में क्या था कि भाई आप 16,000 कमाते हो एवरेज और मैं कितना कमाऊँगा नॉर्मल प्रॉफिट? 0। अगर मैं खुद बिजनेस शुरू करूँगा 0। तो यानी उस क्वेश्चन में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 16 आ गया ना, आंसर कितना आएगा? 16 आएगा ना दोनों का। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ही लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नहीं भाई, आप 16,000 कमाते हो, आपका बिजनेस मैं खरीद रहा हूँ, मैं भी 16 कमाऊंगा, आपका बिजनेस खरीद रहा हूँ, ये एवरेज आपका एवरेज है ना, तो यानी कि मैं भी 16,000 कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं खुद बिजनेस करता तो भी मैं कुछ कमा पाता, मैं कितना कमा पाता? 50,000 लगा के इनटू 15%। मैथ थोड़ा बहुत, 50,000 लगाता तो 15% मैं भी कमा पाता, यानी 7500 मैं भी कमा पाता। 16,000 माइनस 7500 यानी आपकी वजह से मैं कितना कमाऊंगा? 8500। तो वही तो यहाँ पे लिखना होता है, आपकी वजह से मैं कितना कमाऊंगा? 34,000 हमारा क्या आ गया? गुडविल। पहले जो एवरेज वाले क्वेश्चन थे उसमें वो बंदा 0 कमाता होता है, 0, इसलिए एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट सेम हो गया। उसमें भी आप सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में निकालने का तरीका दिया होता है, उससे निकाल लोगे, और नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको पता है था वो 0 कमाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था कि मार्केट की इंडस्ट्री का रिटर्न क्या है। तो आपको ये मानोगे कि भाई इंडस्ट्री का रिटर्न नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप पैसे लगाओगे मार्केट में तो आप 0 ही कमाओगे उसी बिजनेस में, तो ये 0 मानते तो फिर आपको वही आ जाता। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप कितना, तो गुडविल क्या होती है, मैं कितना कमाऊंगा और कितने सालों तक कमाऊंगा आपकी वजह से, वो गुडविल है। मैं कितना कमाऊंगा, उस केस में आप जितना वो कमा रहा था एवरेज में वही आप कमा रहे थे एवरेज में, वही लिख दिया था। इस केस में आप थोड़ा बहुत खुद भी कमा पा रहे थे इसलिए माइनस करके लिख दिया था। तो चलो हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जल्दी कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 एडिशन 2019 का, और वही क्वेश्चन नंबर 15 है एडिशन 2020 में। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेघा इज 1 लाख। भाई जितने पैसे, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं कैपिटल, वही तो इन्वेस्टमेंट होते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं इन तीनों पार्टनर ने, बिजनेस की वैल्यू कितनी? 1 लाख रुपए की है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अगर आप वही बिजनेस कोई और करेगा, यानी आप या तो मार्केट में इंटरेस्ट कमाओगे यानी बिजनेस करोगे तो आपको 15% आप कमा पाओगे, कोई नया बिजनेस में 15% कमा पाएगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको पता ही होता है, निकालने का तरीका बता ही दिया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। 3 साल के सुपर प्रॉफिट का आपने किससे इंटू करना है? 2 ईयर परचेज से।
तीन साल का सुपर प्रॉफिट लेना है और दो साल का परचेज मान, नंबर ऑफ योर परचेज टू है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई फॉर्मूला मैंने पहले लिखा हुआ है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन नंबर 23 है एडिशन 2019 का, और क्वेश्चन नंबर 15 है एडिशन 2020 का। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट एक और बना लेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो सम हमें तीन सालों का प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है 30,000। तो इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो सिंपली ऐड कर लेते 30,000 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया भाई हमारा ये 36,000 ही हमारा ये आ गया। भाई हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था, अभी हमें ये तो निकालना है कि भाई बायर सेलर सेलर कितना एवरेज कितना कमाता है एक साल में, एक साल में वो पर एनम एवरेज इतना कमाता है, वही तो हम कमाएंगे अगर हम बिज़नेस खरीदेंगे, तो हम 36,000 कमाएंगे। लेकिन अगर हम बिज़नेस नहीं खरीदते, अगर हम बिज़नेस नहीं खरीदते तो हम कितना कमा पाते, अगर हम बिज़नेस नहीं खरीदते हम कितना कमा पाते, तो एवरेज प्रॉफिट है। इन्होंने बोला था कि भाई बिज़नेस में कितने रुपये का बिज़नेस है 1,00,000 रुपये का, और मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना है 15%। तो मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज़ की है, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट लिख के नॉर्मल रिटर्न लिखा है, नॉर्मल रिटर्न मतलब मार्केट से कितना कमा सकते हैं, नॉर्मल रिटर्न का मतलब भाई मार्केट कितनी रिटर्न नॉर्मली दे रही है, कोई भी नया बिजनेसमैन होगा इतना कम से कम देगी, उसको क्या कहेंगे हम नॉर्मल रिटर्न। तो आप नॉर्मल रिटर्न लिख देना, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मत लिखना, नॉर्मल रिटर्न। रेट होता है ये 15%, ये रेट होता है, और रिटर्न पूरा पूरा अमाउंट रुपीज़ में, उसको कहते हैं नॉर्मल रिटर्न। तो भाई वो कितना कमाता 36,000 माइनस 15,000 कितना हो गया 21,000, 21,000 वो कमा पाता एक्स्ट्रा, किसकी वजह से, सेलर की वजह से, उसका बिजनेस खरीद के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सुपर प्रॉफिट 21,000, और कितने साल से करना है 2 से, तो कितना आ गया हमारा 42,000 गुडविल। समझ में आ गया क्वेश्चन। भाई देखो गुडविल क्या होती है, जो हम पैसे कमाते हैं सेलर की वजह से वो गुडविल होती है, अगर हम खुद बिजनेस करें और कुछ ना कमाएं तो सेलर की वजह से सारा का सारा कमाएंगे। तो यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देंगे तो टोटल गुडविल आ जाएगी। भाई उस एवरेज प्रॉफिट हम सारा का सारा खुद ही कमाएंगे, उससे कमाएंगे, यानी 36,000 उससे कमाएंगे। अगर हम उससे पैसे बिजनेस खरीदे, लेकिन उससे बिजनेस खरीदने से पहले अगर खुद भी बिजनेस करते तो कुछ कमा पाते, तो उसकी वजह से कितना कमाएंगे, डिफरेंस ही कमाएंगे ना। कितने सालों तक कमाएंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। गुडविल क्या होती है, आपकी मेहनत का फल, सेलर की मेहनत का फल जो बायर ले जाएगा वही गुडविल है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई 36,000 ही ले जा रहा है। गुडविल क्या होती है, आपकी वजह से जो मैं कमाऊंगा, आपकी वजह से जो मैं कमाऊंगा वो गुडविल है। तो उसकी वजह से तो सिर्फ हम 21,000 कमाएंगे ना, 15,000 तो हम खुद भी कमा लेते, तो वही गुडविल है। पिछले एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, हम खुद जीरो कमाते थे, इसलिए जो एवरेज प्रॉफिट होता था वही हमारा इंटू कर देते थे, हम क्या कमाते थे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुडविल निकल जाता था। तो हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, सिर्फ आपने वो खुद ट्राई करना, ये होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन ये एडिशन 2019 में क्वेश्चन नंबर 25 है और एडिशन 2020 में ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फर्म इज 36,000 पर ईयर। फ्यूचर में मतलब बिजनेस बेचेंगे तो अगला बंदा कब करेगा, फ्यूचर में करेगा ना भाई। ये एक्स वाई जेड ने ये किया है, एक्सपेक्ट किया है कि भाई फ्यूचर में जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा वो 36,000, हमें फ्यूचर का तो निकालना होता है, 36,000 आप कमाओगे पर एनम में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2,00,000, जो बिजनेस में लगा रखा है हमने वो 2,00,000 रुपये लगा रखे हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ द बिजनेस इज 10%। क्लास ऑफ द बिजनेस मतलब होता है उसी टाइप के बिजनेस में अगर आप पैसे लगाओगे तो आपका 10% रिटर्न है, यानी उस इंडस्ट्री में जो रिटर्न चल रहा है 10% का। बस घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर दी, मतलब वही है कि भाई 2,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, 36,000 का एवरेज प्रॉफिट है, अगर आप ये खुद बिजनेस करते तो आप
कुछ कमाते, कितना कमाते 10%, तो आप भी कमा पाते, यानी कितना 2 लाख का 10%, 20,000 आप कमा पाते। 36,000 कमाओगे लेकिन खुद करते तो कितना कमाते 20,000, तो मेरी वजह से कितना कमाओगे 16,000, 36 - 20, तो मेरी वजह से कितना कमाओगे 16,000, क्या हो गया सुपर प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन, अब एक पॉइंट हो रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। हमने क्या करना है, जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर की वो 6,000 है। तो एक बात बताइए जी, जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो 36,000 पर एनम निकाला है, लेकिन हमने रेम्यूनरेशन जो पार्टनर की वो उसमें डाली नहीं है। पार्टनर की रेम्यूनरेशन एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, तो भाई जो रेम्यूनरेशन है वो पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, जो पार्टनर की सैलरी होती है वो माइनस करनी होती है एवरेज प्रॉफिट में से, यानी प्रॉफिट में से माइनस करनी होती है तो जाके निकलेगी। तो 36,000 में हम रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे तो जाके सही वाला एवरेज प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, 30,000। 30,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न 20,000, तो 10,000 हमारा क्या हो गया सुपर प्रॉफिट, इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गुडविल, कितना आ गया 20,000। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इस पॉइंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या पॉइंट से कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, यानी कि पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन, सारे पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन जो पहले थे उनकी रेम्यूनरेशन 6,000 पर एनम है, लेकिन क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि माइनस नहीं किया हुआ, क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं कि माइनस नहीं किया हुआ। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो लिखा हुआ था कि हम रेम्यूनरेशन जो है वो माइनस करनी है आफ्टर है, इसमें तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं रेम्यूनरेशन द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू 6,000, लिखा ही नहीं माइनस करने की, कहीं लिखा है नहीं लिखा हुआ, तो हम माइनस क्यों कर रहे हैं, हम बिना माइनस के क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं। तो भाई एक बात है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स चैप्टर पढ़ोगे, पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा वहाँ पे कि हम जो P&L अकाउंट बनाते हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 11th में बनाते थे, उसमें पार्टनर की रेम्यूनरेशन सैलरी नहीं आती, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है। तो आपको इस पॉइंट से वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बात याद रखनी है कि P&L में कभी भी पार्टनर की सैलरी नहीं आती। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, हमें वो माइनस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने नहीं की हुई होगी, क्योंकि जब P&L में आती नहीं, जो ये हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ये P&L को देख के बनाते हैं ना, हम ये P&L अकाउंट देखते हैं उसको देख के बनाते हैं ना एवरेज प्रॉफिट। जो हमारा यहाँ पे P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होते हैं 3-4 साल के, उन्हीं प्रॉफिट को देख के तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस वाले जो P&L अकाउंट में, यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर की रेम्यूनरेशन आती ही नहीं है P&L अकाउंट में, तो फिर वो माइनस होने की तो बात ही नहीं उठती, यानी माइनस नहीं हो रखी होगी। तो भाई उस चीज़ को हमें हटाना है, रेम्यूनरेशन को, यानी जो एवरेज प्रॉफिट है वो गलत है। तो आपने बाद में आप पार्टनर को सैलरी तो दोगे, तो भाई उसके बाद प्रॉफिट कमाएगा ना, सैलरी तो पार्टनर को देनी चाहिए ना, देते हैं ना, तो खर्चा तो है, तो वो माइनस करके ही हमारा सही प्रॉफिट निकलेगा 36,000 माइनस 6,000, इसलिए माइनस किया हुआ है 6,000 उसमें से, तो करना ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट इतना समझ में नहीं है तो एक बात याद रखना, बस एवरेज प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस करनी है। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, जब हम पार्टनरशिप चैप्टर करेंगे तो आप क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा, तब तक के लिए इसको होल्ड पे रखो, ये बात समझ के रखो कि ये जो प्रॉफिट होता है इसमें से रेम्यूनरेशन माइनस नहीं हो रखी होती, इसलिए माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन हो गया, अब एक और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एडिशन 2019 में क्वेश्चन नंबर 26 है और एडिशन 2020 में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्योंकि अगली क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतने मुश्किल नहीं है, या आप खुद भी कर सकते हो, सिर्फ मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31st March एज फॉलो, ये 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए, कोई बात नहीं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज़ बीन 80,000, जो इन्वेस्टमेंट रही इन पीरियड्स में वो कितनी रही 80,000 की इन्वेस्टमेंट रही। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% इज कंसिडर टू बी ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज घुमा दी इन्होंने, यही अकाउंट्स अगर आपने पढ़ना है तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो आपको फ्यूचर में कमाई करने का जरिया बनेगा, यही आपको कमा के देगा, यही आपको लाइफ में कुछ बनाएगा, यही सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ बनाएगा। तो अगर इस सब्जेक्ट में आप रट लोगे तो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, वरना गुडविल चैप्टर में मैं भी
चार पाँच सात आठ लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। और सुपर प्रॉफिट सेकंड मेथड में पहुंचते पहुंचते 10 लेक्चर मेरे हो चुके हैं, क्लासेस हो चुके हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज़ पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अगर आप ये पॉइंट नहीं समझोगे तो फिर आप क्लियर नहीं हो पाए। गुडविल बहुत वास्ट है, गुडविल छोटा नहीं है। ये चार पॉइंट ही गुडविल नहीं है, गुडविल बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको और मुश्किल हो जाएगी अगर आप समझोगे नहीं तो गुडविल। तो भाई हर पॉइंट हर चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, समझो उसको लॉजिक के साथ। समझोगे तो याद भी रहेगी और मुश्किल भी नहीं होगी पढ़ने में, और एग्ज़ाम में भी 90 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। 90 प्लस स्कोर करना अकाउंट में नॉट अ बिग डील, इतनी बड़ी बात नहीं, 90 प्लस आ जाते हैं। लेकिन आप रटोगे तो भी आ जाएंगे 80% से ऊपर, 90% से ऊपर रटने के बाद भी आ जाएंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉलेज में जाओगे, हायर स्टडीज़ करोगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तब क्या करोगे? तब रट के थोड़ी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, प्रोफेशनल कोर्स नहीं क्लियर कर पाओगे, CA CS। चलो भाई, भाई 3 साल का प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है, और उन्होंने एक बात बोली हुई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द भाई यही बोला है कि जो आपने पैसे लगा रखे इन्वेस्टमेंट इन सालों में कितना, टोटल 80,000 इन्वेस्टमेंट, 80,000 रही थी आपकी, कैपिटल कितना था 80,000। इस बात को ध्यान में रखते हुए रिस्क इतना रिस्क है भाई बिजनेस में, ये बात ध्यान रखो कि 15% तो फिर भी आप कमा ही लोगे। इतना रिस्क होने के बाद बिजनेस रिस्की है, फिर भी आप 15% तो कमा ही लोगे। तो फिर यानी कि कोई भी बिजनेस करेगा तो 15% कमा पाएगा। नॉर्मल रिटर्न कितनी है 15%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना मानना है 2 ईयर्स, और सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन करना है। तो भाई देखो 3 साल का एवरेज लेंगे, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, इस क्वेश्चन पूछा ही नहीं, डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 20,000। 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट अगर 80,000 हम लगाएंगे तो कितना आएगा 12,000 हमारा नॉर्मल रिटर्न है। तो भाई 15% ऑफ 80,000 इज इक्वल टू कितना होता है, देखो हम कितना कमा रहे हैं 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 20,000। 20,000 क्या हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। और हमने बिजनेस अगर नहीं खरीद रहे तो 80,000 आपने लगा रखे हैं, अगर मैं बिजनेस खुद चलाऊंगा तो 15% के हिसाब से कितना कमा पाऊंगा 12,000। तो आप जो कमा रहे एवरेज प्रॉफिट 20,000, मैं खुद 12,000 कमा पाता तो आपकी वजह से कितना कमाऊंगा सिर्फ 8,000। और 2 साल का परचेज मानना है इंटू 2 कितना आ गया 16,000 हमारा क्या आ गया गुडविल, गुडविल इक्वल टू 16,000। इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आप लेक्चर ध्यान से सुनिए, सुपर प्रॉफिट क्या होता है उसको समझिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन जो करने वाले होंगे मैं करवा दूंगा, जो समझने वाले होंगे वो समझा दूंगा, और मुश्किल क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे करवाऊंगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।